जियो गुरां दी साजी अते निवाजी गुरमुख प्यारी सत्संग जियो जय गुरुदेव धन गुरुदेव। अज आपां उस महान हस्ती की कथा दे नाल जुड़ना है जो कि कंछी विखे जिथे जगत गुरु सतगुरु गुरुओं के गुरु गुरुओं के सरताज दो जहान दे वाली चार युगां दे स्वामी अमृत दे महादानी गरीबां अते मजलूमां दे रैवर महान शक्ति दे मालक हस्ती दे मालक सतगुरु रविदास जी महाराज वाराणसी कंछी विखे प्रकट हुए परमहंस परम दयालु कृपालु दयावान अते मेहरवान संत कबीर जी महाराज भी उत्थे प्रकट हुए। इसे पवित्र धरती ते महान हस्ती मुसलमान जाति दे विच सतना जी महाराज प्रकट होए। सतना जी महाराज रजना ही सतगुरु रविदास महाराज जी सतगुरु कबीर जी महाराज जी की संगत करन जाया करते सन। आज आपां सतना जी महाराज जी की कथा दे नाल जुड़ना है अते सारी संगत ने बड़े प्रेम दे नाल बड़े सत्कार दे नाल दयालु कृपालु दयावान मेहरवान सतना जी महाराज जी दी आप जी ने कथा नू सर्वण करना है। सतना जी महाराज जी दा एक शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच पन्ना नंबर 858 ते ये शब्द सतना जी महाराज दा विराजमान है। इस शब्द दे विच सतना जी महाराज ने उस भगवान दे अगे दतार पिता खंडा ब्रह्मंडा दे मालक परमात्मा दे अगे अपनी बेनती कीती है। आओ सब तो पहला इस शब्द नू सरवण करिए जी उस तो बाद आप जी नू सतना जी दी कथा सुनाई जावेगी। निरप कन्या के कारने एक पैया पेखतारी निरप कन्या के कारने एक पैया की पैज सवारी
सदना जी दे जो घरों उन्हां दी धर्म पत्नी सी भई इन्हां नूं तुसीं मांस लिया के दिओ, जिथों मर्जी पैदा करो, वह भी मजबूर आ, तुसीं भी मजबूर आ। सदना जी सत वचन कह के तुर पए। जदों तुरे जांदे आ ते जाके उन्होंने ताला खोलिया, एक बकरा जो बनिया होया सी, सदना जी ने अपना हथियार जिहड़ा ना वो तेज करना शुरू कर दिता, ते बकरा देखदा कि हुण मेरी खैर नहीं। ते जदों सदना जी बकरे दी पुठ लगे बटन, ते बकरा उची उची हसन लग पिया। जदों कहिंदे हसदा हसदा अचानक उची उची रोण भी लग पिया। सदना जी घबरा गए। सदना जी ने जिहड़ा हाथ विच हथियार पकड़िया सी ना, वो इतना घबरा गए, इतना डर गए कि जिंदगी दे विच पहली बार एक घटना उन्हां दे नाल वापरी। वो हथियार जमीन ते गिर गया। ते हुण सदना जी ने अपने आप नूं संभालिया अते बकरे नूं पुछण लगे कि ऐ बकरे पहला तो उची उची खिड़ खड़ा के हसया, बाद विच तो उची उची रोण लग पिया, इसका कारण मैनूं दस। ते अगे ओह बकरा बोलिया, सदना जी तुसी अपना कार्ज करो, तुसी इहदे विचों की लैणा, मैं चाहे रोवां चाहे हसां, तुसी मेरी कहड़ी जान बख्श देनी है। सदना जी कहिंदे मेरा तेरे नाल वादा रह गया, अज तो यह मैं माड़ा कर्म यह जिहड़ा मैं पाप करदा रहा इसका मैं त्याग कर दूंगा और तेरी जान नूं भी बख्श दूंगा। ते बकरा बोलिया, कहिंदा सदना जी मेरा उची उची खिड़ खड़ा के हसन दा कारण यह सी कि मैं अल्लाह तो बलिहारे जांदा हां कि ऐ अल्लाह ए तू की खेड रची हुई है, कदी मैं बकरा बनदा, कदी ये बकरा बनदा, ते कदी ये कसाई बनदा, ते मैं बकरा बनदा। वो कहिंदा मैं इस करके खिड़ खड़ा के हसिया सी, कुदरत तो बलिहारे जांदा। सदना जी तुसी बकरा बने, ते कई बारी मैं कसाई बनिया, ते कई बारी मैं बकरा बनिया, ते तुसी कसाई बने, अज मैं बकरा आ, ते कल नूं तुहानू भी बकरा बनना पैना है, ते मैं कसाई होना। चलो सदना जी कहिंदे तां हसन दा कारण हो गया, ते फिर उची उची रोण दा कारण की सी? ते बकरा बोलिया, ऐ सदना जी मेरे रोण दा कारण यह सी कि तुसी मेरी पुठ पट के लै जाणी सी, ना मैं जीउंदिआं दे विच ते ना मैं मरिआं दे विच। मैं सारी रात मेरी तड़प तड़प के निकल जानी सी, मैं इस करके रोया। ते सदना जी ने बकरे नू आजाद कर दिता, खोखे नू अग ला दिती, ते जिहड़े तकड़ी सी पट्टे सी वह गंगा दे विच रोड़ के अपने घर में चले गए। कहिंदे जदों घर गए ते उन्हां दी धर्म पत्नी बोली,
मास किथे है, समा भी तुसी बहुत लाके आ गए हैं। वो कादे सेठ जी बैठे आ, उन्होंने जेडे घर मेहमान आए वो की कहिंदे होणगे। जदों सतनाम जी महाराज ने सेठ वल इशारा किया, सेठ जी अज तो लैके तुसी सतनाम जी दे घर मास नहीं लैणा। आखिर कारण उन्होंने सारी जो उन्होंने नाल घटना वापरी उन्होंने दसी घरवाली नूं ते सेठ जी नूं। वो बड़े हैरान होए, वो कहिंदे मैनू हुण पता नहीं किन्ना समा बीत गया, ये माड़ा जो पाप मैं करदा रहा सी, जो माड़े कर्म करदा रहा सी, मैनू अज ठोकर वजी ते मेरा सुधार होया। ते सेठ जी उठ के चले गए ते हुण घर बार त्याग के सतनाम जी महाराज एक जंगल वल नूं तुर पए। ऐसी ठोकर वजी नाले पछतावा भी करदे आ वी जिहड़े मैं पहलां पाप कीते आ उन्हां कीते पापां दी सजा दा मैनूं मिलनी है। ते जो हुण कहिंदे वी सतनाम जी मालक परमात्मा दी अल्लाह दी खोज भी घरों निकल गए, तुरे जाते हैं नाले अपने मालक नू चेते कर रहे हैं। ते अगे एक जंगल आया, हनेरा हो गया, रात पै गई। ते सतनाम जी हुण मन विच सोचण लगे रात बतीत करनी है किथे करिए, कोई जगह कोई टिकाणा मिल जावे, दिन चढ़ेगा ते सवेरे उठ के अगली मंजिल पकड़ लवांगे। ते जदों कहिंदे तुरे जांदे उन्हां दी निगाह एक मकान ते पई। जदों मकान दे नजदीक पहुंचे ते सतनाम जी ने बाहरों कुंडा खड़काया लोहे दा जड़ा हुंदा, अगे ओह आवाज आए तुसी कौन हो। सतनाम जी कहिंदे मैं एक इंसान आ, बीबी मैनू तुरे तुरे जांदे नूं हनेरा हो गया है, रात पै गई, मैं रात कटनी चाहुंदा आ, सवेर चढ़ेगी तां मैं अपनी अगली मंजिल ते रवाना हो जाऊंगा। दरवाजा खोलिया ते उस बीबी ने हाथ जोड़े ते अंदर लै गए, बिस्तरा कीता, मंजी डाई ते कहिंदी तुसी बैठो, मैं तुहाडे लई खाना तैयार करके लियाउंदी। ओ हुण बीबी खाना तैयार करके लियाई, सतनाम जी दे अगे थाली परोसी, कहिंदी तुसी लंगर छको। सतनाम जी महाराज ने लंगर छकिया, अपने हाथ धोके तो बीबी अपने कम्मां कारां दे विच रुझ गई। ते सतनाम जी महाराज ने माला पकड़ ली, मालक दे गुण गाउण लगे, मैं ना ही कछ आओ नहीं कछ आहे ना मोरा, आओ सब लज्जा राख ले हो सतनाम जन तोरा। वो माला फेरी जांदे आ ते नाले खुदा नूं चेते कर रहे आ, अपने मालक नूं चेते कर रहे आ। ਤੇਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਐ ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ
तेरा अधिकार तेरा हक ओदे ते है, पराए मर्द कोल आके बैठना इस तरह शोभा नहीं दिंदी। तो बीबी बोली कहते तुसी मेरे पति तो डरते हैं, वो तो काफी लंबे समय तो बीमार है, उसने गड़ासा चकिया जाके अपने पति का जो धौन सी वह धड़ नालों अलग कर दिती। ते हुण सतना जी कहते तू तो बहुत वड्डी पापण है बीबा, ये की कीता तैं, तू अपने पति का कतल कर दिता, तेरे वर्गी औरत नूं तां नरकां दे विच भी जगह नहीं मिलेगी, ये तू बहुत वड्डा पाप कीता जो तैनूं करना नहीं चाहिदा सी। ते उस बीबी ने पता की कीता, उसने उच्ची उच्ची रौला पाया, लोकी कट्ठे कर लै, सारा महला कट्ठा होके उस बीबी दे घर आ गया, कहिंदी देखो लोगो इस साधु ने मेरे पति दा कतल कर दिता, मेरे पति दा कतल कर दिता, धड़ नाल उहदी धौण अलग कर दित्ती, ये बहुत वड्डा पापी है, इहनूं सजा दित्ती जावे। ते लोकी पुछदे आ वी इह कौण है, ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਇਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਕੜ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਇਸਨੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਗੜਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਧੌਣ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਦਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਤਨਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੜਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗ ਵੀ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੌਤਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਨਾ ਇਹ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੜੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਸੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਤਨਾ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਈ ਕੌਣ ਸੱਚਾ
ते कौन झूठा है। ते जो सदना जी महाराज ने अरदास की बेनती की उस अल्लाह दे अगे खुदा दे अगे ये शब्द पढ़िया, मैं ना ही कछ्याओ नहीं कछ्या है ना मोरा औसर लज्जा रख दियो सदना जन तोरा। ते जदों सदना जी महाराज ने बेनती करते करते अपना सज्जा हाथ वह लोहे के कड़ाहे जड़ा तेल उबल रहा है जो अखा मीट के हाथ पाया तो सदना जी ने हाथ बार कढ़िया तो उन्होंने हाथ नहीं सड़े। सदना जी को इस तरह लगा कि जिस तरह कड़ाहे के पानी आ पानी बर्फ नो भी ठंडा लगा उन्होंने क्योंकि सदना जी सच्चे से उन्होंने ये पाप नहीं कीता। बीबी की वारी आई बीबी कंबण लग पई घबराई डर गई ते वो आखन लगा कहिंदा बीबी समा थोड़ा है तू अपना खपा हाथ कड़ाहे दे विच पा तू क्यों डरदी है जब तू पाप कीता ही नहीं तो फिर कह तो घबराउंदी है जे तू पाप किया फिर ही तेन घबरा की लोड़ है जब तू किया नहीं फिर क्यों डरती है अपने मालक नूं चेते कर जिन्हों तू त्यौंदी आ चेते कर वह हुण झूठी सी ते चेते किहनूं कर दे झूठा इल्जाम लाया सी सदना जी दे उत्ते हुण जदों खप्पा हाथ कड़ाहे दे विच पाया ते उहदा सारा हथ सड़ गया सच्चाई सामने आ गई। सच बरोबर तप नहीं झूठ बरोबर पाप जिनके हिरदे सच है तिनके हिरदे आ। प्यारी सत्संगत झूठ बोलना पाप करना गुनाह है। इंसान को सच बोलना चाहिए है झूठ बोलेंगे तो उसकी सजा मिलेगी। हुण प्यारी सत्संग जी कौतवाल जिहड़ा सी वो आखन लगा कि इस पापण नूं इन सच्चे ते सुच्चे खुदा दे बंदे ते झूठा इल्जाम लाया उसे बदनाम भी किया है ना इनू सब तो सख्त सजा दिखी जाए इनू फांसी ते लटका के खत्म कर दिता जाए। जदों इन्नी गल आखी सदना जी महाराज अगे वधे उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के उस बीबी की जान नू बख्शाउणा चाहिया कहिंदा महाराज मैं एक बेनती करांगा इस बीबी नू अपने कीते पापां दी सजा मिल चुकी है हुण इहनू होर सजा दे के होर दुखी ना करो बस मैं यही कहांगा इहदी जान बख्श दे ते लोकां दे विच सदना जी की सच्चाई जो सी सामने आवे ते कौतवाल ने उस सदना जी की बेनती नूं स्वीकार किया ते उस बीबी की जान नूं बख्श दिता और लोकां ने सदना जी का सत्कार किया जय जयकार हुई सदना जी के चरण पकड़ के सारे सदना जी की जय जयकार कर रहे हैं। सो प्यारी सत्संग जी सदना जी सच्चे से सुचे से वो मालक नूं ध्यांदे से ते सदना जी ने पाप नहीं किया जिहदे कारण उन्हां दी जित होई इस करके इंसान नूं पापां तो मुक्त रहना चाहिए है और उस मालक की बंदगी करनी चाहिए है ते सदना जी एक महान बन गए उन्हां नूं परमात्मा की खुदा की प्राप्ति भी हुई उन्हां दा ये शब्द जो आप जी ने पहला सरवण किया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच दर्ज है। सो इसी सदना जी महाराज जी की कथा
जो आप जी ने सरवण की है।